हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केएनआरटी कॉलेज के बारे में। जिन भी बच्चों को 2024 लेटरल एंट्री के माध्यम से केएनआरटी कॉलेज मिला हुआ है, उनका एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एससी एसटी के लिए फीस में क्या रिलैक्सेशन होने वाला है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जिनको भी केएनआरटी सुल्तानपुर मिला हुआ है या उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, वो लोग ये पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, केएनआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आपका है केएनआरटी.एसी.इन। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की हम लोग बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट आपका क्या है, केएनआरटी.एसी.इन। तो ये वेबसाइट क्या करेंगे, केएनआरटी.एसी.इन क्या करेंगे, आप इंटर करेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे आप इस तरीके से कुछ पेज होकर ओपन होकर के आएगा। अब इस पेज में अगर आप नीचे की तरफ जाएं, इस पेज में आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सर्कुलर्स में पहला आपका जो आपका नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग रिवाइज्ड नोटिस फॉर बीटेक एमसीए फर्स्ट ईयर एंड बीटेक एमसीए सेकंड ईयर लेटरल एंट्री फीस स्ट्रक्चर 2024-25 के लिए आपका जो फीस स्ट्रक्चर आपका आ गया है, और इसी में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा वो सारी चीजें इसी में आपकी डिटेल में जो है लिखी हुई है। तो चलिए इस नोटिस को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो ये आपका नोटिस है केएनआरटी का, इसमें फीस वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, फीस आपका कैसे जमा होगा इसके बारे में लिखा हुआ है, एससी एसटी के लिए क्या प्राविधान है उसके बारे में लिखा हुआ है, और आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग बीटेक फीस की बात करें लेटरल एंट्री की, बीटेक द्वितीय वर्ष लेटरल एंट्री आईटी ब्रांच को छोड़ करके जो आपकी फीस है, इन सारे ब्रांच की फीस है 73,850 रुपए, और ये हॉस्टल फीस को शामिल करते हुए, यानी कि हॉस्टल का जो आपका अलग से फीस आपका लगता है, जैसे आईटी में एडमिशन लेंगे तो आपका 89,000 के अलावा हॉस्टल फी लगेगा, ट्रिपल एम में एडमिशन लेंगे तो 1,35,000 के अलावा हॉस्टल फी लगेगा, और अगर आप वही एचबीटी में एडमिशन लेंगे तो वहां पे 1,35,000 के अलावा हॉस्टल फी लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो है फीस आपका जो है यहाँ पे 73,850 जो फीस है ये हॉस्टल को लेकर के है, मेस छोड़ करके हॉस्टल फीस को लेकर के है। और अगर वही आईटी ब्रांच की बात करें, चूंकि आईटी ब्रांच सेल्फ फाइनेंस चलता है, स्व वित्त पोषित होता है, तो इसकी फीस जो होती है 15,000 ज्यादा होती है। ओनली फीस का अंतर होता है, मार्कशीट वगैरह में कहीं सेल्फ फाइनेंस लिख करके नहीं आएगा या प्लेसमेंट वगैरह में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, केवल फीस का डिफरेंस होगा। चूंकि वह स्व वित्त पोषित है तो इसके लिए फैकल्टी वगैरह का अरेंजमेंट कॉलेज लेवल पे करना पड़ता है, तो इसकी फीस जो आपकी 15,000 ज्यादा लगेगी किसी आई टी ब्रांच की, इतना ही अंतर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे मैं बात करूं इनका जो रिपोर्टिंग है, दिया 9% छात्र छात्राओं की रिपोर्टिंग दिनांक 1/9/2024 दिन रविवार को भी किया जाएगा। रिपोर्टिंग का जो आपका डेट है 1 से 4 सितंबर, रिपोर्टिंग का जो अगर हम लोग बात करें फिजिकल रिपोर्टिंग का जो डेट है 1 से 4 सितंबर, 1 से 4 सितंबर 2024 आपका क्या है, फिजिकल रिपोर्टिंग का आपका डेट है। फिजिकल रिपोर्टिंग आपका है छात्र छात्राओं द्वारा काउंसलिंग के समय जमा शुल्क 20,000 एवं 12,000 दिए गए शुल्क में घटाकर जमा किया जाएगा, यानी कि 73,850 जो फीस था इसमें से आपको 20,000 माइनस कर लेना है, ओनली 53,850 फीस देना है। इसी में आपका हॉस्टल फीस भी है, इसी में क्या है हॉस्टल फीस भी है। अगर मैं बात करूँ केएनआरटी हो गया, बीआईटी हो गया, या आरईसी जैसे जो कॉलेज हैं, या आईटी लखनऊ आपका हो गया, आईटी लखनऊ का फीस बीच में बढ़ा था, लेकिन केएनआरटी बीआईटी का फीस लगभग 7-8 सालों से आपका यही फीस चला रहा है, इस फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे थोड़ा जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं वो भी यहाँ से बीटेक कर सकते हैं, क्योंकि फीस जो है कम है और कॉलेज की तुलना में। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पिछले सालों में जो 10 रैंक के टॉप 10 रैंक के अंदर आने के बावजूद केएनआरटी से बीटेक कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां की फीस कम है और कम फीस में एक अच्छा कॉलेज आपका केएनआरटी माना जाता है। अगर हम लोग फीस को देखें तो छात्र छात्राओं द्वारा काउंसलिंग के समय जमा शुल्क 20,000-12,000 दिए गए शुल्क में घटाकर जमा किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपने 73,850 फीस है तो 20,000 माइनस करके 53,800 फीस आपका लगेगा, और ये ऑनलाइन लिंक के माध्यम से जमा किया जाएगा। जो फीस आपकी जमा होगी वो क्या होगी, ऑनलाइन जमा होगी, ऑफलाइन आपका फीस जमा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जिन छात्र छात्राओं के माता पिता की
समत स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, यानी कि अगर आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का इनकम सर्टिफिकेट आपके माता पिता का बना हुआ है और वो इनकम सर्टिफिकेट क्या जैसा इनकम सर्टिफिकेट आप लोग डिप्लोमा में लगाते थे वही वाला वो इसी फॉर्मेट पे और 2.5 लाख रुपए से अगर कम है तो ऐसे छात्र छात्राएं अपना 2024 का प्रमाण पत्र मूल एवं जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करने पर उन्हें शुल्क ₹4,000 जमा करना होगा, यानी कि उनका 12,000 पहले जमा किए हैं और 4,000 यहाँ पे लगेगा, ओनली 16,000 में उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन लेकिन और क्या है, ऐसे समस्त छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे और जो आपका स्कॉलरशिप आएगा ये पैसा आप बाद में ले जाकर के कॉलेज में क्या करेंगे, जमा करेंगे। जैसे और जनरल ओबीसी का क्या है, ये लोग पहले पूरा फीस जमा कर दे रहे हैं, जो स्कॉलरशिप आपका आएगा उसको अपने पास रख ले लेंगे। लेकिन SC ST को यहाँ पे वरीयता दिया गया है कि उनको पूरा फीस जमा नहीं करना, ओनली 4,000 जमा करेंगे और एक्स्ट्रा 16,000 पहले जमा कर चुके हैं और उसके बाद जो स्कॉलरशिप उनका जितना भी स्कॉलरशिप आएगा वो स्कॉलरशिप ले जाकर के क्या करेंगे, कॉलेज में जमा कर देंगे। तो उनका मात्र और मात्र एक तरीके से 16,000 में 1,000 एक साल की फीस है, हॉस्टल फी भी इसी में शामिल है। अब 16,000 में आपको बीटेक करने के लिए कौन सा कॉलेज मिलेगा, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। तो SC ST के लिए बहुत ही अच्छा आपका है KNIT सुल्तानपुर। ऐसे समस्त छात्र छात्राएं जो है स्कॉलरशिप फॉर्म जरूर भरेंगे। सभी ब्रांच की जो TFW है उनका 13,850 जमा करना होगा और एक्स्ट्रा 20,000 12,000 जमा कर चुके होंगे। तो आप लोग TFW कैटेगरी में है नहीं तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। छात्र छात्राओं संस्थान की वेबसाइट www.knit.ac.in के फी पेमेंट ऑप्शन के माध्यम से, इसमें आपको फी पेमेंट ऑप्शन का एक लिंक मिल जाएगा। इसमें क्या मिल जाएगा आपको, एक फी पेमेंट ऑप्शन का एक आपको लिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फी पेमेंट ऑप्शन का लिंक मिल जाएगा। हो सकता हो अभी न ओपन हो रहा हो या अभी मैंने इसको बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, तो इसको देखने पे पता चल जाएगा। और यहाँ पे फीस के पेमेंट के रिगार्डिंग आपको मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो मैं अलग से आपको बता दूंगा लिंक वगैरह के बारे में। तो छात्र छात्राएं संस्थान के अनुसार www.knit.ac.in के फी पेमेंट ऑप्शन के माध्यम से अथवा दिए गए लिंक http://payment.campusconnectERP.com/knit या नीचे दिए गए QR कोड के माध्यम से जमा होगी। शुल्क जमा करने के उपरांत छात्र के ईमेल पर ट्रांजेक्शन रिसिप्ट प्राप्त होगा। जैसे ही आप फीस जमा कर लेंगे क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन रिसिप्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन रिसिप्ट आपको प्राप्त होगा। फी पेमेंट में तात्कालिक समस्या उत्पन्न न हो इसके लिए नियमित समस्त छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि रिपोर्टिंग के एक दिवस पूर्व ही फीस जमा कर लें, फीस जमा कर ट्रांजेक्शन रिसिप्ट प्राप्त कर लें, यानी एक तारीख के पहले आप फीस जमा करके जो है ये प्राप्त कर लें, ट्रांजेक्शन रिसिप्ट क्या कर लें, प्राप्त कर लें। शुल्क जमा करने में आने वाली किसी भी समस्या के निराकरण हेतु इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और ये आपका QR कोड दिया हुआ फीस जमा करने के लिए, ये क्या दिया हुआ है, ये QR कोड आप स्कैन करेंगे तो फीस जमा करने वाली आपको लिंक मिल जाएगी, फीस जमा करने वाली लिंक मिल जाएगी। इस QR कोड को स्कैन करने पे इतनी फैसिलिटी जो है KNIT आपको प्रोवाइड करा दे रहा है, तनिक भर भी दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर कह रहा है कि आपको ये नंबर दिया हुआ, अगर कोई पेमेंट करने में दिक्कत आती है इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे दिया हुआ छात्र छात्राओं को फिजिकल रिपोर्टिंग संस्थान के CSA हाल में होगी, CSA हाल में फिजिकल रिपोर्टिंग होगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ नियमानुसार शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के 2 सेट फोटोकॉपी संलग्न कर जमा करेंगे, जिसका विवरण निम्नलिखित है। 2 सेट फोटोकॉपी आपका लगेगा और फोटोकॉपी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये आपको ध्यान देना जरूरी है। पहला हो गया कॉपी ऑफ फी ट्रांजेक्शन रिसिप्ट, मतलब जो आपका फी ट्रांजेक्शन है उसका रिसिप्ट आपका लगेगा, जो आपका 20,000 हो गया, जो आपका ये 53,850 ये लगेगा, इसका रिसिप्ट हो गया। एडमिट कार्ड JEE मेन की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा CUET, आपके लिए क्या हो जाएगा, JEE मेन जो लिखा हुआ है आपके लिए क्या हो जाएगा, CUET, ये 12वीं के लिए दिया हुआ है तो आपका हो गया CUET का क्या हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया। अलाटमेंट लेटर, सीट अलाटमेंट लेटर जो आपका थर्ड राउंड के बाद डाउनलोड होगा वो वाला सीट अलाटमेंट लेटर। अगला हाई स्कूल सर्टिफिकेट या मार्कशीट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, DOB के लिए हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका लगेगा। इंटरमीडिएट अगर आप किए होंगे तो इसका भी मार्कशीट आपका लगेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट फॉर BTech फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेटरल एंट्री MCA क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट, यानी कि डिप्लोमा का मार्कशीट मांगा है, क्या मांगा है, डिप्लोमा का मार्कशीट मांगा है, डिप्लोमा मार्कशीट। और जिसके पास नहीं, अपेयरिंग वालों का क्या लगेगा, जो अपेयरिंग वाले हैं, जो अपेयरिंग वाले हैं उनका क्या लगेगा, अपेयरिंग वालों का बाबू लग जाएगा क्या, डिक्लेरेशन फॉर्म लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म आपका लगेगा इसी जगह पे, मार्कशीट की जगह पे।
ओरिजिनल ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये ओनली पास आउट के लगेगा, किसके लिए लगेगा, ओनली पास आउट का लगेगा, जो पास आउट ओनली उन्हीं का लगेगा, क्या ओरिजिनल टीसी या माइग्रेशन लगेगा, जो यूपी से डिप्लोमा करते हैं उनका टीसी लगता है, जो यूपी के बाहर से डिप्लोमा उनका माइग्रेशन लगता है, करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड ओरिजिनल, ये भी क्या लगेगा, ये भी ओनली पास आउट के लिए रहेगा, किसके लिए रहेगा, ओनली पास आउट के लिए करेक्टर निकलता है, ओनली पास आउट हो जाएगा। अगला है मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपका ओरिजिनल लगेगा, जो AKTU का फॉर्मेट है CMO द्वारा क्या हो, वेरीफाई हो, CMO द्वारा क्या हो, वेरीफाई हो, जिला चिकित्सालय से आपका बनेगा। अगला आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कोई कैटेगरी है और इसमें OBC और EWS का जो रहेगा वो 1 अप्रैल की बात का रहेगा, कब का रहेगा, 1 अप्रैल 2024 की बात का रहेगा, कब का रहेगा, 1 अप्रैल 2024 की बाद का आपका रहेगा। फिर मैं बात करूं वेटेज सर्टिफिकेट, अगर कोई वेटेज सर्टिफिकेट आपका अलग से है, जैसे सब कैटेगरी कोई है या रूरल वेटेज वगैरह कुछ है, ऐसा है तो आपका रूरल वेटेज तो लेटरल में मिलता नहीं है तो इसको लगा देंगे, ये इंटर वालों के लिए भी दिया हुआ है ना, तो आप लोगों का अगर सब कैटेगरी कोई है तो यहाँ पे सब कैटेगरी, जैसे मान लीजिए कोई कोई PH कैटेगरी का है, आर्मड फोर्सेज कैटेगरी का है, तो उसका क्या यहाँ पे हो जाएगा, सब कैटेगरी हो जाएगा, सबका सबका दो दो सेट रहेगा। अगला आपका एफिडेविट रिगार्डिंग गैप ओरिजिनल इफ एप्लीकेबल, एफिडेविट लगेगा, ये आपका ₹10 स्टैम्प पेपर पर, स्टैम्प पेपर पर नोटरी लग जाएगी, इसका फॉर्मेट जो है, इसका फॉर्मेट जो है वकील बना देगा, फॉर्मेट क्या, एडवोकेट जो होता है, एडवोकेट आपको बना करके दे देगा, आप उसके पास जाएंगे कह दीजिएगा हमको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, वो बना देगा, फॉर्मेट जो है एडवोकेट बनाएगा, ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, इसका फॉर्मेट वगैरह कहाँ पे मिलेगा, आप किसी भी कचहरी में चले जाएंगे अपने जिले की, जो भी कचहरी होगा उस कचहरी में जाएंगे, कह देंगे हमको क्या बनाना है, गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, हमारा 1 साल का गैप हो गया है, तो आपका गैप सर्टिफिकेट आपको बना देगा, उसके लिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे लगेगा, कचहरी से ₹10 के स्टाम्प पेपर पे आपका लगेगा, ठीक है, ₹10 के क्या, स्टाम्प पेपर पे। अगला है ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम एंड एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट, इन केस आप SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन फी रिइंबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप, अगर आपको फी रिइंबर्समेंट चाहिए स्कॉलरशिप के माध्यम से तो आपका क्या लगेगा, आपका जो है, आपका जो लगेगा क्या, इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, लेकिन इनकम आप बाद में भी जमा कर देंगे तब भी चल जाएगी स्कॉलरशिप फॉर्म के समय, अगर यहाँ पे जमा कर देते तब भी अच्छी बात है, इसका फोटो कॉपी यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगला आपका क्या लगेगा, डोमिसाइल, अगर आपने यूपी के बाहर से डिप्लोमा किया है तभी आपका डोमिसाइल लगता है, अदरवाइज डोमिसाइल नहीं लगता है तो डोमिसाइल भी होगा तो आप लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से डोमिसाइल भी अपना क्या कर देंगे, लगा देंगे। चलिए अगला आपका है, अगला आपका क्या है, इसके बाद आपका है कॉपी ऑफ आधार कार्ड, हाँ, एफिडेविट फ्रॉम स्टूडेंट एंड फादर रिगार्डिंग एंटी रैगिंग ओरिजिनल, देखिए इसका फॉर्मेट हो सकता है इसकी वेबसाइट पे मिल जाए, अगर फॉर्मेट इसी वेबसाइट पे नहीं मिलता है तो आप एंटी रैगिंग की अलग से वेबसाइट होगी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे शेयर किए हुए हैं एंटी रैगिंग का फॉर्मेट, तो उस फॉर्मेट पे क्या करेंगे, पेरेंट्स और पेरेंट्स का यानी कि आपके आपके पिताजी का और आपका दोनों लोगों का क्या लगेगा, एफिडेविट लगेगा, क्या लगेगा, एफिडेविट, और एफिडेविट जो होता है जनरली ₹10 के स्टाम्प पेपर पे क्या बनवाते हैं, स्टाम्प पेपर पर, तो ₹10 के स्टाम्प पेपर पर वकील से क्या बनवा लेंगे, वही सेम मैटर लिखवा करके आप लोग ये क्या बनवा लेंगे, आप लोग एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनवा लेंगे ओरिजिनल, कॉपी आप आधार कार्ड, आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगा देंगे, EWS सर्टिफिकेट अगर आपका है तो ओरिजिनल एप्लीकेबल, मतलब ओरिजिनल क्या आपका जो है फोटो कॉपी ही लगाएंगे, ओरिजिनल दिखा देंगे, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ दो, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हो रहे हैं, आपके एडमिशन टाइम लगेंगे, ये सारे कॉलेजों में ही लगेगा, सारे कॉलेजों में आपका यही लगेगा, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा लगने वाला नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, हाँ, किस किस को ये चीजें जा रही हैं, प्रतिलिपि के बारे में लिखा हुआ है, तो प्रतिलिपि इनको जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपका फीस का डिटेल दिया हुआ है, जो आपका फीस है बीटेक सेकंड ईयर, बीटेक सेकंड ईयर IT का अलग दिया हुआ है, नॉन IT का अलग दिया हुआ है, इंस्टीट्यूशन फीस आपका कह सकते हैं, ट्यूशन फीस जो है आपका ₹40,000 है, ₹5,000 कासन मनी है, ये ₹5,000 जो है आपको जब पास आउट होकर के निकलेंगे तो मिल जाएगा, यानी कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपकी जो फीस लगेगी 5,000 कम लगेगी, 68,850 में नहीं लगेगा। अब सोच लीजिए 68,850 में आपका हॉस्टल फीस शामिल करते हुए आपका है, जो 73,850 मिल लग रहा है ना, ये 5,000 जब आप पास आउट होकर निकलेंगे तो कासन मनी आपको रिफंड हो जाएगा, एग्जाम फीस इसमें ₹5,000 है, स्टूडेंट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फी आपका ₹550 है, हॉस्टल फी आपका ₹10,000 है,
हॉस्टल पर्सन मनी आपका 1,000 रुपये है और यूजर चार्ज जो है 12,300 रुपये है। और ट्रिपल एम वगैरह में यही भर भर की इलेक्ट्रिसिटी फीस जो है, तमाम फलाना ढकाना फीस करके बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा दी है, तो इसका फीस के मामले में बहुत अच्छा आपका है। तो फीस वाइज अगर देखेंगे तो केएनआरटी आपके लिए बेस्ट कॉलेज है। फीस कितनी हो गई, 73,850 हो गई। ये आपका इसमें से 5,000 जो है जब पास आउट होकर के निकलेंगे तो आपको मिल जाएगा 5,000, वो 1,000 रुपये हॉस्टल का आसन मनी ये भी आपको मिल जाएगा, 6,000 रुपये आपको मिल जाएगा जब आप पास आउट होकर के निकलेंगे तो, ठीक है, 6,000 आपको मिल जाएगा। तो 73,850 रुपये फीस लग रहा है और जो आईटी ब्रांच का उसका 88,000 फीस लग रहा है। यहाँ पे 40 की जगह पे 55 हो गया है, 15,000 ट्यूशन फी में बढ़ गया है, बाकी सारी फीस आपकी वही रहेगी। तो ये क्या है, ये आपका जो है बीटेक लेटरल एंट्री का आपका फीस हो गया, डिटेल हो गया। और कुछ, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। ये आपका जो है क्यूआर कोड एक बार फिर से दे दिया गया है, मतलब फीस शुड बी डिपॉजिट आफ्टर डिडक्टिंग काउंसलिंग फीस 20,000 / 12,000 डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, मिस चार्ज आर टू बी डिपॉजिट सेपरेटली इन हॉस्टल। अलग अलग हॉस्टल का मिस फीस अलग अलग होता होगा, तो मिस फीस उस हॉस्टल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जमा होगा। फी डिपोजिशन फी का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, अगर आप इस पीडीएफ को जो है इसमें ये स्कैन कॉपी होगा तो नहीं, अगर स्कैन कॉपी नहीं रहता है तो, अगर वैसे रहता है तो जनरली एडब में खोलने पे ये लिंक क्लिक होता है, लेकिन अगर स्कैन रहेगा तो क्लिक नहीं होगा। बाकी आपका फीस के लिए क्यूआर कोड भी दिया गया है, इस क्यूआर कोड के माध्यम से आपको फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट शेयर करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ वहाँ पर अपना डाउट शेयर कीजिएगा, जो भी आपका डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।